नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। भारत और जापान की दोस्ती के प्रतीक रुद्राक्ष कन्वेंशन पहुंचते ही सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने परिसर में एक पौधा लगाया। पौधारोपण के बाद रिबन काटकर सेंटर का उद्घाटन किया गया। इसके पश्चात प्रधानमंत्री ने शिलापट का अनावरण कर रुद्राक्ष देश को समर्पित किया। 186 करोड़ की लागत से तैयार रुद्राक्ष शिवलिंग के आकार में बनाया गया है। जापानी और भारतीय वास्तु शैलियों के संगम वाले रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के डिजाइन जापान की कंपनी ओरिएंटल कंसल्टेंट ग्लोबल ने तैयार की है। निर्माण का काम भी जापान की ही फुजिता कॉरपोरेशन कंपनी ने किया है। यहाँ बड़े म्यूजिक कंसल्टेंट कॉन्फ्रेंस नाटक हो सकेंगे और प्रदर्शनियां भी लगेंगी। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की नींव 2015 में रखी गई थी। उस दौरान पीएम मोदी और पूर्व जापानी पीएम शिंजो आबे वाराणसी में ही मौजूद थे। यह भारत और जापान की दोस्ती का प्रतीक है, जो काशी और जापान की कला संस्कृति का प्रतीक रुद्राक्ष दुनिया के सामने नित नए आयाम लिखेगा। जापान के प्रधानमंत्री योशीहिदे सुगा का वीडियो संदेश भी लोगों को सुनाया गया। इस दौरान जापान के राजदूत सुजुकी शितोशी भी मौजूद थे। उन्होंने भारत जापान की दोस्ती के बारे में बात की। लगभग 500 लोगों को बुलाया गया था, जिनमें 14 ऐसे अति विशिष्ट लोग थे जिन्होंने कोरोना काल में ऑक्सीजन प्लांट लगाकर लोगों की सेवा की थी, जिन्हें प्रधानमंत्री के हाथों सम्मानित होना था, किंतु किन्हीं कारणों से यह कार्यक्रम नहीं हो सका, जिसके चलते उन्हें मायूस होना पड़ा। Arrived here in advance to listen, and there you see, with both hands they are welcoming the Prime Minister. बिल्कुल, ये सुखद अवसर है विशाल, और प्रबुद्ध लोगों की धरती मानी जाती है, शिक्षा की, संस्कृति की, साहित्य की धरती मानी जाती है, और इसका शुभारंभ भी यहीं से होगा। ये भी एक बड़ी शुभ संकेत है कि इसका काम क्या शुरू होगा। हम उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, भारत में जापान के राजदूत सुजुकी सातोशी और माननीय सांसद राधा मोहन सिंह जी का, हमारे लिए ये भी बहुत हर्ष की बात है कि आज किस खबर। प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, जापान के माननीय राजदूत श्री सतोशी सुजुकी जी, माननीय सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी, जापान राजदूत दूतावास से जुड़े हुए सभी सम्मानित अधिकारीगण, जायका से जुड़े हुए सभी उपस्थित महानुभाव, आज के इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे काशी के सभी प्रबुद्धजन और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप सबकी ओर से काशी के लोकप्रिय सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, बाबा विश्वनाथ के इस धरती पर भगवान बुद्ध के द्वारा जिस धरती पर पहला उपदेश दिया गया था, काशी और सारनाथ की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का दिन हम उत्तर प्रदेश वासियों के लिए और खास तौर पर काशी वासियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। हम सब जानते हैं कि 14 जुलाई 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से, जापान के सहयोग से इस अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष के शिलान्यास और भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। काशी धर्म, अध्यात्म, साहित्य, कला और संगीत की पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ देश का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहाँ के विद्वानों, कलाकारों, साहित्यकारों,
के लिए कोई एक ऐसा मंच जहां से एक साथ इतने बड़े पैमाने पर वे अपनी कला को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकें, दशकों से इसकी मांग थी। आज अंतर्राष्ट्रीय मानक के इस केंद्र का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से काशी में संपन्न होने जा रहा है। यह हम सबके लिए अत्यंत ही आह्लादकारी अवसर है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अभिनंदन करता हूं। लगभग 1200 क्षमता का यह अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर 3 वर्ष के दौरान बनकर के तैयार हुआ है। अपने अनेक उपलब्धियों के लिए यह जाना जाएगा। एक अद्भुत केंद्र है और अनेक प्रकार के कार्यक्रमों को यहां पर काशीवासियों को इसका साक्षी बनने का अवसर प्राप्त होगा। मैं आज के इस अवसर पर जापान सरकार के द्वारा भारत और जापान के मैत्री के इस नए युग को, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जी के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस काशी में प्रारंभ किया था, भारत की उस प्राचीन परंपरा की ओर हमें लेके जाता है जब बौद्ध धर्म का पहला कदम जापान की धरती पर पड़ा होगा। भारत और जापान के प्राचीन और अर्वाचीन मैत्री का यह केंद्र बिंदु, यह रुद्राक्ष बनेगा। बाबा विश्वनाथ की प्रतीक रुद्राक्ष की प्रतिकृति भी उसी रूप में है। अपनी अद्भुत आर्किटेक्ट के लिए केंद्र जाना जाएगा, अपनी वास्तु के लिए जाना जाएगा। With strong civilizational links between the people of the two nations, India and Japan share the common heritage of Buddhism and commitment to democracy. The bond between the two countries reached a new high with the Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, and the then Prime Minister of Japan, Shinzo Abe, visiting each other's country, upgrading the strategic partnership. The friendship between the two great nations with remarkable cultural similarities has been further strengthened by the heritage sites of Kyoto and Kashi. International Convention Center at Varanasi is a shining example of bilateral and cultural cooperation which has been built by grant aid from Japan to create a platform for the cultural and social interactions. The design, philosophy and building form revolves around creating people-friendly spaces to nurture the spirit of sharing and caring, which has been a long-standing tradition of Varanasi. Multi-purpose grand entrance lobby connects dedicated meeting and conference rooms, which can be used as art gallery space as well for showcasing the city's talent. Multi-purpose pre-function areas enable and facilitate better organization and interaction among the guests. The convention center will host the contemporary needs like conferences and summits and serve the city's long ongoing tradition for Indian classical music, dance and theatrical performances. An international standard and acoustically well-designed auditorium with the capacity of 1200 seats with well-equipped stage to facilitate multiple act theatrical performances as well. At the same time, to ensure a technically sound building and friendship. तो इसके लोकार्पण के मौके पर जापान के माननीय प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने हमारे लिए एक संदेश भेजा है। मोदी शिशो, ओशियोसेकी नो मिनासामा, नमस्कार। वाराणसी कोक्साई क्योरुक कन्वेंशन सेंटर नो कानसेन नि अतारी, निहोन कोकु सेफु および日本国民を代表し、心よりお祝いを申し上げます。ヴァラナシ市は、インドの長い歴史と豊かな文化の中心都市です。日本との関係も深く、モディ首相も訪れた日本の古都、京都市と
文化学術交流が続けられています。バナーラス、ヒンドゥー大学と京都大学の大学間交流はその一例です。こうした特別な地位を占める都市に我が国の無償資金協力によって日印友好の証として国際協力コンベンションセンターが建設されたことを大変嬉しく思います。細部にわたり高い完成度を誇るこのセンターは日本企業が設計施工を手掛け我が国の技術力を示す存在です。モディ首相自らが英知の象徴となるよう願いを込めて菩提樹の実と名付けられました。このセンターが国際会議や文化芸術行事などの開催を通じ緊密な日印協力の舞台として用いられ日印友好の新たなシンボルとなることを期待します。我が国とインドは自由民主法の支配といった基本的価値と戦略的利益を共有し長い交流の歴史の中で非常に友好な関係を維持してきました。新型コロナの感染拡大により現在は相互往来が困難になっていますが日印で手を携えてこの危機を乗り越え特別戦略的グローバルパートナーシップの下グリーン、デジタル、サイバー、保険、連結性強化などの協力をはじめ日印関係のさらなる発展に取り組んでいく決意です。そして適切な機会にインドを訪問しモディ首相とともに日印関係をより一層盛り上げていきたいと思います。このセンターの完成を機に両国の友好関係がますます進化することを心より記念し私の挨拶とさせていただきます。ダンニャワード。अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगी कि वो आज के शुभ अवसर पर अपने विचार हमारे साथ साझा करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। हर हर महादेव। कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, ऊर्जावान और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, भारत में जापान के एम्बेसडर श्रीमान सुजुकी सातोशी जी, संसद में मेरे सहयोगी राधामोहन सिंह जी, काशी के सभी प्रबुद्धजन और सम्मानित साथियों, अभी अपने पिछले कार्यक्रम में मैंने काशीवासियों से कहा था इस बार काफी लंबे समय बाद आपके बीच आने का सौभाग्य मिला, लेकिन बनारस का मिजाज ऐसा है कि अरसा भले ही लंबा हो जाए लेकिन ये शहर जब मिलता है तो भरपूर रस एक साथ ही भर करके दे देता है। अब आप देखिए, भले दिन ज्यादा हो गए हो लेकिन जब काशी ने बुलाया तो बनारस वासियों ने एक साथ इतने विकास कामों की झड़ी लगा दी, एक तरह से आज महादेव के आशीर्वाद से काशी वासियों ने विकास की गंगा बहा दी है। आज ही सैकड़ों करोड़ की अनेक योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ और अब ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर काशी का प्राचीन वैभव
अपने आधुनिक स्वरूप यानी एक प्रकार से आधुनिक स्वरूप में अस्तित्व में आ रहा है। काशी के बारे में तो कहते ही हैं कि बाबा की ये नगरी कभी थमती नहीं, कभी थकती नहीं, कभी रुकती नहीं। विकास की इस नई ऊंचाई ने काशी के स्वभाव को एक बार फिर सिद्ध कर दिया है। कोरोना काल में जब दुनिया ठहर सी गई, तब काशी संयमित तो हुई, अनुशासित भी हुई, लेकिन सृजन और विकास की धारा अविरल बहती रही। काशी के विकास के ये आयाम, ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष आज इसी रचनात्मकता का, इसी गतिशीलता का परिणाम है। मैं आप सभी को, काशी के हर एक जन को इस उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं भारत के परम मित्र जापान को, जापान के लोगों को, प्राइम मिनिस्टर श्री सुगा योशीहिदे को और एम्बेसेडर श्री सुजुकी सातोशी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अभी हमें प्रधानमंत्री जी का वीडियो संदेश भी देखा, उनके आत्मीय प्रयासों से काशी को ये उपहार मिला है। प्राइम मिनिस्टर श्री सुगा योशीहिदे उस समय चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी थे, तब से लेकर पीएम की भूमिका तक लगातार वो इस प्रोजेक्ट में व्यक्तिगत रूप से इन्वॉल्व रहे। भारत के प्रति उनके इस अपनेपन के लिए हर एक देशवासी उनका आभारी है। मुझे याद है शिंजो आबे जी जब प्रधानमंत्री के तौर पर काशी आए थे, तो रुद्राक्ष के आइडिया पर उनसे मेरी लंबी चर्चा हुई थी। उन्होंने तुरंत ही अपने अधिकारियों से इस आइडिया पर काम करने को कहा। इसके बाद जापान का जो कल्चर है, उनका गुण है, चर परिचित उनकी विशेषता है परफेक्शन और प्लानिंग, इसके साथ इस पर काम शुरू हुआ और आज ये भव्य इमारत काशी की शोभा बढ़ा रही है। जापान आज भारत के सबसे विश्वसनीय दोस्तों में से एक है। हमारी दोस्ती को इस पूरे क्षेत्र की सबसे नेचुरल पार्टनरशिप में से एक माना जाता है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास को लेकर भी कई अहम और सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में जापान हमारा साझेदार है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल हो, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो, या डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो, जापान के सहयोग से बन रहे ये प्रोजेक्ट न्यू इंडिया की ताकत बनने वाले हैं। हमारे पुराणों में कहा गया है, तत्र अश्रु बिंदु तो जाता महारुद्राक्ष वृक्षकाः, मम आज्ञया महासेन सर्वेषां हित काम्या, अर्थात
सबके हित के लिए, सबके कल्याण के लिए भगवान शिव की आंख से गिरी अश्रु बूंद के रूप में रुद्राक्ष प्रकट हुआ। शिव तो सबके हैं, उनकी अश्रु बूंद मानव मात्र के लिए स्नेह का, प्रेम का प्रतीक ही तो है। इसी तरह ये इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष भी पूरी दुनिया को आपसी प्रेम, कला और संस्कृति के जरिए जोड़ने का एक माध्यम बनेगा। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें।